आप कहोगे काम और कर्म दोनों अलग अलग चीज है, कर्म तो बनाना पड़ता है, काम करता है वो, है पर्यायवाची से लगते हैं दोनों चीज। लेकिन कर्म क्या है? कर्म उसको बोलते हैं जो हम पहले करके अपना कर्म फल बना दें। जैसे पिछले जन्म में जो किए वो कर्म फल मिल गया, उसको कर्म कहते हैं, भाग्य कह देते हैं। और काम जो आप करते हैं ये है, बिना काम के कर्म नहीं बनता, बिना कर्म के कर्म फल नहीं मिलता। तो इंसान को अपना कर्म जो सुधार लेता है वो तो नेक कामों को करने से बनता है। नेक काम जो नहीं करता उसका कर्म कभी नहीं बनता, उसका भाग्य कभी नहीं संवरता। अगर किसी को कुछ सिखाना है तो उसको प्रकृति की गोद में छोड़ दो, प्रकृति सिखा देगी उसको। भीषण गर्मी है इसमें छोड़ दो, गर्मी में पानी की तलाश करेगा कि प्यास पानी से बुझेगी, तलाश में ढूंढेगा, कुआं ढूंढेगा, कोई जोड़ तालाब देखेगा, नदी नहर देखेगा, पानी की तलाश में निकला है वो। और तुमने उसको बैठे बैठाए को अगर पानी पिला दिया तो क्यों तलाश करेगा पानी कहाँ मिलता। और जो खुद पानी को ढूंढ के लेके आता है उसको पता है कितनी मेहनत से, कितनी मशक्कत के बाद उसने उसको तलाश किया है और वो कैसे उसको पानी मिला जिससे उसकी प्यास बचे, जिससे जीवन बचे। और बैठे बैठाए को अगर सारी चीज दे दोगे उसको पता ही नहीं क्या करना। ये है काम और मेहनत। तो वो आदमी को ज्ञान भी देता है, बुद्धि भी ठीक करता है, उसको मेहनत करने की आदत भी डालता है, स्वावलंबी बनाता है। तो नेकी करने की आदत डाला करो, अच्छे काम किया करो, विश्वास रखो जो इंसान तुम्हारा भला करता है, तुम्हें बुराइयों से बचाता है, वो परमात्मा का रूप है।